हम बात कर रहे हैं मोरप्पन लैब की। आज के दिन की बात करें तो छोटे मोटे अपसाइड के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो है 53 रुपीज़ 10 पैसे पर हमको फिलहाल ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। 56 के लेवल से स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी, 46 के लेवल से सपोर्ट लिया, हायर हाई पैटर्न देखने मिला, बाउंस बैक हुआ, अगेन 56 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन लिया। तो यहाँ आप लोअर लो पैटर्न देखने के लिए मिला था और फिर पहले स्टॉक जिस लेवल पर सपोर्ट लेता नज़र आया था 52 का लेवल, अगेन उसी लेवल पर सपोर्ट लिया, इस लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया है। अब स्टॉक को 52 के ऊपर सस्टेन होना इम्पॉर्टेंट रहेगा इस हाई को ब्रेकआउट करने के लिए। अगर 52 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वैसी कंडीशन में 56 का जो हाई है वो ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। 52 के लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो अगेन 50 से लेके हमको 47 तक का भी फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अब हमको इसके आसपास थोड़ा फ्रेश बाइंग के लिए इंतज़ार करना है क्योंकि तगड़ा रेजिस्टेंस है। हम देख सकते हैं मल्टीपल स्टैम्प स्टॉक ने इसी लेवल से रिजेक्शन दिखाया है, एक दो दफ़ा नहीं, हम देख सकते हैं 5 दफ़ा इस लेवल से हमको रिजेक्शन दिखाया हुआ स्टॉक ने। तो तगड़ा रेजिस्टेंस जोन है 56 का लेवल। अगर 56 का लेवल ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो गया तो फिर वैसी कंडीशन में हमको यहाँ बड़ा जंप भी देखने के लिए मिल सकता है, सर्किट भी हिट होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। फिर अगला टारगेट रहेगा 60 और 60 के ब्रेकआउट के बाद 64 से लेकर 70 तक के भी टारगेट मोरप्पन लैब में हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।